नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र कंबोज और आप देख रहे हैं द मसला। आज हमारी नजर है जींद के उपचुनाव पर कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, अंदर की बात क्या है, उम्मीदवार किससे मिल रहे हैं, क्या कुछ समीकरण वहां पर बन रहे हैं, किसको अपने साथ मिलाने की कोशिश वहां पर चल रही है। हमारी नज़र तो जींद के उपचुनाव पर है, लेकिन वहां जो उम्मीदवार हैं उनकी नज़र किस पर है, इस पर आज हम बात करते हैं। टेकराम कंडेला को आप जानते होंगे। टेकराम कंडेला कंडेला खाप के प्रधान हैं। पहले नज़रें मांगेराम गुप्ता पर थी जब उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी। मांगेराम गुप्ता जो कि पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस छोड़ दी, उन पर नज़रें थी। सभी पार्टियों के नेता उनसे मिले भी, चर्चा भी हुई कि वो इस पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन वो किसी पार्टी में नहीं गए। तो सभी उम्मीदवार वहां जाकर उनके पास वहां आशीर्वाद उन्होंने लिया और मांगेराम गुप्ता ने भी सभी को आशीर्वाद दे दिया। अब जो उम्मीदवार हैं वो टेकराम कंडेला का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, अंदर की बात क्या है, वो हम आपको बताते हैं। टेकराम कंडेला जो कि अभी हाल ही में करीब 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और इस उम्मीद से शामिल हुए थे कि इस बार बीजेपी उनको टिकट देगी, क्योंकि पिछला चुनाव जो है वो निर्दलीय के तौर पर लड़े थे और करीब 10-11 हज़ार वोट भी उन्होंने हासिल किए थे। इस बार टिकट की उम्मीद थी लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, कृष्ण मिड्डा को टिकट दिया। तो तब से टेकराम कंडेला बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। अब क्या हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला भी टेकराम कंडेला के पास पहुंचे। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला भी टेकराम कंडेला से मिले और टेकराम कंडेला ने अब जो कहा है कि वो 16 जनवरी को अपनी खाप की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला लिया जाएगा कि इस चुनाव में क्या फैसला लेना है, किसी को समर्थन करना है या नहीं करना, या बीजेपी में ही रहना है, ये सब 16 जनवरी को पता चलेगा। लेकिन कोशिश हो रही है सभी उम्मीदवारों की ओर से कि टेकराम कंडेला को अपने साथ मिलाया जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। हाँ, निश्चित तौर पर टेकराम कंडेला जिसको अपना आशीर्वाद देंगे या कंडेला खाप जो फैसला करेगी, जिस उम्मीदवार के पक्ष में वो फैसला होगा उस उम्मीदवार को फायदा होगा और ये जो जींद का दंगल है उसको जीतने में थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़ी नहीं काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जो कंडेला खाप, जो बहुत बड़ी खाप कभी हुआ करती थी हरियाणा में, वो पीछे टूट गई थी, 2 हिस्सों में बट गई थी। एक माजरा खाप, 14 गांव तकरीबन माजरा खाप में चले गए, 14 गांव कंडेला खाप में रह गए हैं। देखना होगा अब दूसरा। मैं बता दूं जो माजरा खाप है, सुनने में आ रहा है उन्होंने कहा है कि खाप कोई फैसला नहीं लेगी, मतलब खाप किसी का समर्थन नहीं करेगी, जिसका दिल करता है वहां वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन कंडेला खाप का 16 जनवरी को पता चलेगा। खैर, ये अंदर की बात है कि जींद के उपचुनाव में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इतना करीब करीब निश्चित है कि कंडेला खाप अगर किसी उम्मीदवार का समर्थन करेगी तो वो एक जाट उम्मीदवार हो सकता है। खैर, ये पता चलेगा 16 जनवरी को, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। आज की अंदर की बात जो थी जींद के उपचुनाव में वो ये थी। और अपडेट के लिए जींद पर क्या कुछ चल रहा है, कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये समय समय पर हम आप तक लेते आएंगे द मसला के माध्यम से। और आप देखते रहिए द मसला, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट करके भी हमें बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, कौन बाजी मार सकता है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है और क्या हो सकता है। नमस्कार।